सैफ अली खान और सोहा अली खान के लव लाइफ के क्वेश्चन से हैं परेशान मम शर्मिला टैगोर। शेखर कपूर बना रहे हैं अब तक का सबसे कॉस्टली प्रोजेक्ट और बॉलीवुड सितारों की चमक दिखी व्हाट हैपेंड इन वेगस के प्रीमियर पर। इन खबरों की इन डेप्थ एनालिसिस है सिर्फ और सिर्फ बी न्यूज एक्सप्रेस पर। शेखर कपूर भले ही इंडिया लौटे हो अपनी बेटी के लिए, लेकिन यहाँ भी उन्हें बॉलीवुड का प्यार खींच लाया है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद अब शेखर अपनी किस्मत फिर आजमाएंगे बॉलीवुड में। जी नहीं, वो मिस्टर इंडिया का सीक्वल नहीं बना रहे हैं, बल्कि अपनी सालों पहले शुरू किए प्रोजेक्ट पानी को वो फिर रिवाइव कर रहे हैं। साथ ही कॉकरोच फिल्म से वो एनिमेशन की दुनिया में भी अपना कदम रखेंगे। यहाँ हिंदुस्तान में एक एनिमेशन कंपनी पुराना, उनके साथ मैं बना रहा हूँ। कॉकरोच बहुत अच्छी कहानी है, कॉकरोचेस की लव स्टोरी है। इन सब प्रोजेक्ट को देखकर यही लगता है कि शेखर कपूर अब फुल फॉर्म में है, पर अगर मिस्टर इंडिया का सीक्वल भी वो खुद डायरेक्ट करे तो कुछ बात बने। हॉलीवुड फिल्मों का बॉलीवुड दीवाना है और ये बखूबी पता चला जब हमारे सितारों की चमक देखने मिली हॉलीवुड फिल्म व्हाट हैपेंस इन वेगास के प्रीमियर पर। तो इस खुशनुमा मौके पर हमने भी इन सेलेब से पूछ ही लिया कि अगर ये बाय चांस वेगास पहुंच जाए तो वहाँ क्या करना पसंद करेंगे। शादी करूंगा वहाँ पे, जो वेगास की शादी होती है वो वेगास में रहती है। सुना कि वेगास में बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज है, जैसे सर्क दो सोलेल या काफी अच्छे प्लेस भी होते हैं। I'd like to go and watch her there. Gambling obviously is the number one on priority list. Otherwise, it's an awesome place. ना मुझे gambling का शौक है और ना मुझे disco तक जाने का शौक है. So I think I would actually end up seeing how people gamble and that would be an adventure for me. Absolutely. Well, I'd love to see all the casinos there, of course. And yeah, I think that's about it. Vegas only reminds me of that. तो चलिए आप भी तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि what happened in Vegas. ऐश्वर्या ने अपनी आंखों को डोनेट कर कई लोगों को इस सोशल कॉज से अवेयर किया और अब रवीना टंडन भी ऐश्वर्या राय के नक्शे कदम पर चल पड़ी हैं। हाल ही में मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन मुंबई में एक हॉस्पिटल से आई डोनेशन के लिए जुड़ी हैं। यही नहीं, रवीना टंडन ने अपने पिता को भी सोशल कॉज से जुड़ने के लिए इंस्पायर किया है। आज जरूर हम लोग यहाँ हैं जो आई डोनेशन अवेयरनेस कैंपेन इनका शुरू हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने। एक्चुअली मेरे डैड ने 2 हफ्ते पहले ही कहा था, रवीना मेरी बहुत तबीयत हो रही, जैसे कहते हैं ना नेक काम के लिए आप सोचो तो जहन में जब कुछ अच्छा आता है तो ऊपर वाला अपने आप रास्ते खोल देता है। बहुत बढ़िया रवीना जी, इस नेक काम के लिए हम भी आपका साथ जरूर देंगे। शर्मिला टैगोर अब डेब्यू करेंगी मराठी फिल्मों में। इस फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पहुंची डायरेक्टर और अपने अच्छे दोस्त अमोल पालेकर के साथ, लेकिन यहां उनके बच्चों से जुड़े सवालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा।